कामिल वली मुत्तकी परहेज़गार को एक घड़ी बारो 100 साल दी बाद उसन बेहतर है और ये समझो अल्लाह नु वेदा बैठा अल्लाह नाल गल्ला बैठा करना अल्लाह दी मजलिस सुभान अल्लाह एक जमाना सोबते बाउलिया बेहतर 100 साल एक घड़ी अल्लाह दे वली कोल बाना 100 साल दी बाद उसन बेहतर अल्लाह दे वली दी कब्र ते बैठो क़िबला आलम बाबा फरीद दाता साहब ईमान वाले ते मुत्तकी ते परहेज़गार ओ गौसे पाक दे अब्बे पाक दे इतने परहेज़गार एक सेर दे मगर कबूल दो शर्त है तो ठीक है बस जाओ माफी नहीं अल्लाह की पेशी बड़ी औखी है ये थोड़ी हर 12 साल छोड़ मैं 20 साल बकरियां चरवा लो 12 साल बकरियां चरे सा ते उस अन्नी लूली लंगड़ी डोरी मुंडी नाल शादी कर सा ते एक मैं माफी कह दे ठीक है तन शर्त कबूल ये उन्हां दी गल है जिन्हां नूं पता है सा अल्लाह दे मत्थे लगना खैर जी उन्हें बकरियां चरा लिया बार उन्हें आखा भाई मैं हूँ मियाँ मेरे काल गत्तो जी बिला गदे ने जी को निमुंडी लूली गदे ने गत्तो तो मैं जावा उन्हें निकाह पढ़ दिया निकाह पढ़ते खोने जा मियाँ अंदर तेरी बीवी बैठी ला जा ओ हजरत पीर सैयद बादशाह हसनी सैयद उन्हें या अंदर कदम रखा ओ तो जनाब एक खूबसूरत सोहनी शहजादी बीबी जिंदी अखी सलामत कन सलामत जबान सलामत हथ सलामत पैर मुकद्दस सलामत पाक बीबी शहजादी सैयदजादी इमाम हुसैन दी बेटी खातून जन्नत दी बेटी पंचन पाक दे घराने दी शहजादी मौजूद है ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਆ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਡੋਰੀ ਗੁੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਯਾ ਵੀ ਕੋਣ ਨੇ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕਰ ਤਬਾਹ ਦੀ ਮੋੜ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਾਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਗਈ ਜਾਈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੋ ਅਗਲੇ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੀ ਨਾ ਲੂਲੀ ਨਾ ਨੀ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਗੱਤੀ ਨੇ ਭਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੈਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮ ਤਾਂ ਸੇਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਤਾਈ ਗੈਰ ਮਾਰਮ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵਾਦਨ ਮੁਤਕੀ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਭਈ ਨਾ ਗੱਤ ਅਗਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਗੱਤਾ ਉਹ ਸੈਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਸਨ ਹਸਨ इस अपने अम्मा ते अब्बे तू गैर दा चेहरा नहीं वेखा तां ते अन्नी है ਇਹ ਜੰਮੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੀ ਕਦਮ ਦਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਇਹ ਜੰਮੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਗੈਰ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਜੇ ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਸਵਾਬ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ
अपने अम्मा के अब्बे की ज़ियारत कर दिए को गैर कलाम गाली बंदे ने कर दिए नहीं आंदी धरती गली करा दे मन चल सारी रात ये नहीं आंदी गम नहीं गमदी गैर शरा काम नहीं करती अल्लाह रसूल दे अपने नाने ते दादे दे हुक्म दे मुताबिक चलती है शरीयत दी पाबंद है नमाज रोजे दी पाबंद है ऐसा सोचा है तू एक शेर दे बगैर मजा माफी मंगना है ते साडी दी तू साडे बिरा हसन दी औलाद है असा हुसैन दी औलाद है असा समझाइयो जे रिश्ता मोड़ नहीं लभना असा ता तैनू काबू कीता है जेनू कशे देवनियो मुझे दे ता तैनू 12 साल बकरियां चरवाईयां ने ते ले जा ए तेरी बीवी है इयो जी बी होवे ते इयो जी अब्बा होवे ते विच होश आजम ना जम्मण ते कौन जम्मे सुभान अल्लाह आपने पूरा रमदान मुबारक मां का दुध ये समझ बच्चे तो बच्चा छोटा 5-4 साल उन हराम खवा दो हलाल खवा दो उन क्या पता और रमजान शरीफ का रोजा फर्ज ही नहीं उससे नाबालिग बच्चे से रोजा फर्ज नहीं नमाज फर्ज नहीं कोई इबादत फर्ज नहीं कर ले तो ठीक है ना करे तो गुनाह कोई नहीं मरफू और कलम होता लेकिन वेखो जेरा जमदे ही बालिग जेरा मादा जाद वली थी इतना सियाना है उस जमदे ही रोजे रखने शुरू कर दिए चांदा पै गया रोला कोई आखन अज ईद है कोई आखन चंद उसे हलाल हराम कमेटियां हो नहीं हम कि करिए बड़े रोले पै गए किस बंदे स्याने खबर है परेशान हो खड़े ने बाल नहीं जमा अब्दुल कादिर हाउस पाक का नाम अब्दुल कादिर यार हाँ यार पता करो जो जो दुध पी लिया है तो ईद है जी पीता सर काम ही सुख गल हलाल कमेटियां ना नू भुले खपा जाता है उन आखा यार बाल एडे सियाने अल्लाह दी उदे कोल इल्हाम हुंदे उन पता करो जे जिन ने दूध पी लिया ते मोर पक्की दे जे दूध नहीं पीने ना मोर पक्का रो सुभान अल्लाह ई हुजूर होस पाक निशान ता मादर जात वली और फिर ई हो जे अब्बा हो गए ई हो जे अम्मा जिन्हां ने लोरी इल्लल्लाह ना दे सुभान अल्लाह ए मां बाप दा बड़ा मां बाप का बड़ा अमल दखल होता तरबियत तरबियत हो मकाम क्यों ना गौस आजम जाओ महबूब सुभानी और इतना मकाम आपने मिला है आप फरमाया कदम ही हाल नहीं अल्लाह रकबत कुछ ये मेरा कदम हर वली की गर्दन से अल्लाह ने फरमाया कोई गल नहीं तू मेरा महबूब है पूरी रूए जमीन दे वलियां दे कंधा चपट गई गल उन सारे सिर झुका दिता देखो ने गौस पाक हजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन फरमाया बल आला ऐनी वरासी लोगों ने गर्दन से तेरा कदम होवे मुइनुद्दीन की अखी से तेरा कदम होवे सुभान अल्लाह मकाम है हुजूर गौस आजम रजी अल्लाह तआला ने ता फरमाया सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई मोहर उनके कदम की लगाई गई चाहे औताद हो चाहे अब्दान हो मेरे गौसे जली का मदा खान है उसने चोरों को देखा वली कर दिया पुरखताओं को कुतबे जली कर दिया गौसे आजम की है हर नजर की निया उनका फरमान खालिक का फरमान है जब पुकारा शहनशाह बगदाद को आए चश्मे जदन में वो इमदाद को हल मुश्किल मुरीदों के आके करें इस कदर मेरे आका का एहसान है औलिया किराम या करामता।